शुरू हो गई है। मौसम ठीक था, एकदम से पता नहीं क्यों बारिश होना शुरू हो गई है, तो अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर। अब मेरे बर्तन बहुत सारे गंदे हो गए हैं, तो ये मैं बर्तन धो लूंगी। सबसे पहले तो मैं जो इसमें सारे हैं इनमें निकालूंगी, इनका सेटअप करूंगी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। सारे बर्तन अब धोएंगे। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोना तो आप अगर किचन में खड़े हो ना सिर्फ 10-15 मिनट, तो भी बर्तन गंदे होना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या, जितने मर्जी बर्तन धो लो बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ पे एकदम से बारिश भी शुरू हो गई थी और बर्फ़ भी पड़ने लगी थी बाहर, तो इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी मैं बर्तन धोने लगी कि बर्तन धो लूँ और उसके बाद फिर करूँ कोई और काम भी, क्योंकि किचन साफ हो तो आप सारा घर ही साफ लगता है। अगर किचन ही हमारा गंदा हो तो बस फिर कुछ भी किचन में काम करने को दिल नहीं करता। तो मैं किचन में आई थी तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन धो के तो मैं दूसरे काम कर लूँगी, क्योंकि अगर मुझसे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता किचन में अगर बर्तन वगैरह पड़े हों तो। ये रात के बर्तन थे, रात को भी मैंने नहीं धोए थे तो अभी तो मैंने लाजमी धोने थे। तो यहाँ पे अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने किचन में आई थी तो मैंने पहले बर्तन धोऊंगी एंड फिर मैंने सोचा कि खाना लंच करूंगी। तो अब यहाँ पे बर्तन तो वॉश कर रही थी मैं, साथ साथ बाहर का मौसम भी एंजॉय कर रही थी। तो साथ में मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि क्या पकाऊंगी आज, क्योंकि खाना पकाना रोज़ समझ नहीं आती कि क्या पकाएं। मैं तो इस चीज़ से बड़ी तंग हूँ कि क्या पकाए रोज़ इंसान समझ ही नहीं आती, हालांकि इतने ऑप्शंस होते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आती कि क्या पकाएं क्या खाएं। जो चीज़ पकाएं लगता है ये कल कल तो खाई थी, कल तो खाई थी, आज क्या खाएं। तो मैं पहले छोटे छोटे बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जो मेरे बड़े बर्तन हैं उनको फिर बाद में धोती हूँ, मुझे यही चीज़ आसान लगती है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, बड़े बर्तन पहले धोते हैं छोटे बाद में, तो हर किसी का अपना तरीका होता है बर्तन धोने का भी। यहाँ पे खिड़की से मैं बाहर देख रही थी तो एक गोरी बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी, तो ये सालन वाला था तो मैंने फेंक दिया। मैंने कहा इसको क्या धोना, उसको ऑयल लगा होगा उसमें सालन आया था, तो इसका ढक्कन भी मैंने फेंक दिया। इधर जितनी मर्जी ठंड हो ना गोरों को तो पता नहीं लगती क्यों नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी धूप निकल आए ना तो वो बाहर घूमने फिरने गार्डन में बैठ जाते हैं, और हम पाकिस्तानी हम ठंड से मर रहे होते हैं, रोले डाल रहे होते हैं, हाँ ये ठंड पैगी ठंड पैगी। तो बस गोरों को पता नहीं क्यों नहीं ठंड लगती, जो मर्जी वो, हम पाकिस्तानी तो जो मर्जी कर लें हमें तो ठंड लगती लगती है, लेकिन शायद वो यूज़ टू हो गए हैं, उनका कल्चर, उनका कल्चर तो नहीं, थोड़ी ठंड ही इतनी पड़ती है कि उनको थोड़ी सी भी धूप हो तो वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अगर 12-15 भी हो तो वो कहते हैं ओ समर आ गया समर आ गया, और हम पाकिस्तान में 12-15 पे कहते हैं हाई नी ठंड हाई नी ठंड। पाकिस्तान में तो सही टका के पड़ती है वैसे गर्मी, लेकिन कोई नहीं, जहाँ पे इंसान रहता है ऐसा ऐसा यूज़ टू हो जाता है। हम भी यूज़ टू हो गए हैं अब तो बहुत ज़्यादा, हमें भी अब कम ही फील होती है ठंड। तो
सबसे मुश्किल काम तो बर्तन धोना ही है हमारे यहाँ तो। औरतें सारा दिन बर्तन धो के बैठी रहती हैं। वही मैं मीम पढ़ रही थी, किसी ने लिख के लगाई थी कि कहते थे मेहंदी लाने की जरूरत नहीं है, मेहंदी ही जाया होगी, तुसी धोने तो भांडे ही ने। तो उही हिसाब है, धोने तो बर्तन ही है जो मर्जी कर लो, लेकिन क्या करें, काम करना पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे? साफ बर्तन होएंगे तो काम होएगा ना। तो यहाँ पे बस ये मेरे ऑलमोस्ट बर्तन ख़त्म हो गए थे, एक दो पतीला बचा था तो मैंने ये धो के अब जल्दी जल्दी इनको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी सारिश बैठी हुई है तो आराम से। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ तो होती है कि किचन बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे बर्तन धोते धोते मैंने डिसाइड किया कि मैंने पहले बर्तन धो लूँगी, फिर मैं खाने का कुछ कर लूँगी, और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह अभी ही कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, बाद में तो मुझे टाइम नहीं मिलना। और एक दिन ईद का इतना इंतज़ार कर करके एक दिन चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी चला जाता है कि। और यहाँ पर मैंने बर्तन सारे मेरे वॉश हो गए थे, और यहाँ पर मैं अब साफ़ कर रही थी, मैंने कहा इसको भी साफ़ कर दो, थोड़ा मुझे लग रहा था कि इस पे गंद लगा आया है, तो अच्छे से सारा मैंने कर दिया कि तू भी साफ़ हो जा जल्दी जल्दी, कि गंदगी मची हुई है। अगर आप 2 दिन घर पे नहीं होते ना तो वापस आके ऐसे लगता है कि गंदी पड़ा हुआ है, हर चीज़ गंदी लगने लग जाती है। जब तक आप अच्छे से साफ ना करो आपको सुकून नहीं मिलता। तो बस जी, ये मेरा हो गया ऑलमोस्ट डन। और अब मैं ये कपड़े से अच्छे तरह से साफ कर लूंगी, शेल्फ भी गंदी हुई पड़ी थी। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपको फिर बच्चों के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। ये मैंने किया था, लेकिन ये सारी चीज़ें इधर ही पड़ी थी क्योंकि सारी शुरू होने लगी थी, तो फिर मुझे सफाई करने का मौका नहीं मिला। तो अब मैंने फिर जल्दी जल्दी से मैं साफ करूँगी सारा। यहाँ पे मैंने शेल्फ को भी अच्छे से साफ कर लिया था, थोड़े बहुत तभी गंदी थी, लेकिन मैं फिर स्प्रे ले आई थी, स्प्रे के साथ मैंने साफ कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ, गंदा होया पड़ा था बहुत ज़्यादा, तो बस फिर मैं इसको शुरू हो गई। और क्योंकि मैं पाकिस्तानी चाय बनाती हूँ तो मेरी अक्सर चाय उबल जाती है, और फिर इसको मुझे अच्छे से वॉश करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको मैंने कोई 20 से 25 मिनट लगा के साफ़ किया दोबारा। मैंने अभी फिर रात को मेरी फिर चाय गिर जानी है इस पे, ऐसे ही होता है, कोई ना कोई चीज़ मेरी गिरी ही रहती है इस पे। तो बस मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, और मैं देख रही थी कि चाय जमी पड़ी थी, हालांकि इसको मैं इतना ज़्यादा साफ़ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों साफ़ तो होने का नाम ही नहीं ना इसका। सालन पकाओ तो सालन ऐसे फील हो रहा होता है कि सालन भी ऊपर ही गिरा हुआ है। जो मर्जी कर लो, साफ होने का नाम नहीं लेता हमारा किचन। अब यहाँ पे सारिश थोड़ा थोड़ा रोना शुरू हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी फिर साफ करने लगी कि ये जल्दी से साफ हो जाए। साइडों पे भी मैंने देखा कि गंदा है, तो मैंने फिर साइड से भी साफ करना शुरू कर दिया।
बस यहाँ पे मैंने फिर पहले अच्छे से इसको रब किया है। अब मैं कपड़ा ले लूँगी एक, उसे मैं अच्छे से सारा साफ कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। जो दाग वगैरह जो गंद गंद लगा हुआ था साफ हो जाए बिल्कुल। और बस यही काम 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 बस करते रहो सारा दिन। ये काम खत्म करो, दूसरा होता है कि हाँ अम्मी नू कर लो हूँ, दूसरा करो तो तीसरा तैयार होता है। और बस फिर मैं डस्टबिन देखा तो एक गिरा आया था हवा की वजह से, मैंने फिर उसमें कूड़ा वगैरह डाल के आई हूँ, बोतलें वगैरह। और यहाँ पर अब मैंने सोचा है कि मैं खाने के लिए कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ पे रात का मैंने आलू कीमा बनाया था वो पड़ा हुआ है, और ये मैंने थोड़ा सा पास्ता उबाइल कर रही हूँ कि मैं पास्ता उबाइल कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गोरे कहते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई चीज़ खिलाओ, अगर नहीं खाते तो भी ट्राई करो कि वो खा लें। उसने तो खाना नहीं है, मैं ही खा लूंगी। मैंने फिर थोड़ा सा कर लिया था कि अगर खाती है तो खा ले, नहीं तो ना सी। और यहाँ पर मैंने किचन से सारा किचन ब्रश कर लिया था, अब मैं यहाँ पे कर रही थी साफ कर रही हूँ सारा डोर के सामने, सारा इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट हो गया झाड़ू। आप रोज भी सफाई करो तो कहीं ना कहीं से कूड़ा निकल ही आता है, ऐसे लगता है कि हमने कभी साफ किया ही नहीं है। जब भी सफाई करो कूड़े का ढेर मिल ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, फिर मैंने मुझे था कि मैं मोप भी फेर लूँ, क्योंकि सारिश अब क्रॉल करती है तो वो बाहर आ जाती है, तो ऐसे ही बाहर से गंदे पाँव आए होते हैं, यहाँ पे तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसलिए मैंने फटाफट सारा मोप फेरा। यहाँ से भी, किचन से भी, वॉशरूम का भी किया था। और फिर ये यमी यमी खाने देख रही थी मैं, बहन गई थी दावत पे, उसने पिक्चर वीडियो भेजी थी, और ये हमें मिली थी सैरिश को ईद थी, तो सैरिश को सही खूब ईदी मिली थी। और बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हैं, शुक्रिया।